गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी फॉर यू के चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो आज हम नया चैप्टर लेने जा रहे हैं, दैट इज पॉलीनोमियल्स। इसका हिंदी में कहते हैं इसको बहुपद, यानी ये आरबीएसई बोर्ड का सेकंड चैप्टर है मैथमेटिक्स का, उसका पार्ट नंबर फर्स्ट लेने जा रहे हैं। और आज के हम जो सेशन में उसमें क्या क्या कराएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने स्टार्ट मार्क कर दिए कि सबसे पहले बताएंगे पॉलीनोमियल्स क्या होता है, उसके बाद उसकी डिग्री बताएंगे, और डिग्री के बाद उसके डिग्री के हिसाब से उसके कितने टाइप्स पॉसिबल होते हैं। उसके अलावा हम वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल्स, यानी किसी पॉइंट पे या कोई वैल्यू, यानी किसी पॉइंट पे जैसे एक्स बराबर टू पे उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके हिसाब से हम कुछ बताएंगे कि कुछ पॉलीनोमियल्स के एग्जांपल करवाएंगे, और किसी रैंडम पॉइंट पे हम उसकी वैल्यू निकलवाएंगे। उसके बाद लास्ट में करवाएंगे जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स, यानी बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक इसका मतलब है कि उस पूरे बहुपद की वैल्यू, किस वैल्यू के लिए उस बहुपद का जो है मान जीरो हो जाएगा। फर्दर हम इसको ये सारी चीजें करवाएंगे। तो इसको आगे बढ़ने से पहले, आगे समझाने से पहले, इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि हम भी काफी मेहनत से बनाते हैं वीडियो और फिर सब्सक्राइबर या व्यू नहीं आए तो हमें लगता है यार बच्चों का बेनिफिट नहीं हो पा रहा और फिर हमारी मेहनत फालतू में जा रही है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपना, दैट इज पॉलीनोमियल। सबसे पहले हम समझते हैं भाई चैप्टर का नाम ही पॉलीनोमियल है, तो ये पॉलीनोमियल होता क्या है। तो पॉलीनोमियल बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई फंक्शन होगा, जैसे 2x² + 3+4 सपोज करो, ये है, तो इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको पॉलीनोमियल्स कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें एक से अधिक पद आ गए, एक से अधिक आ गए। इसमें कितने पद हैं, इसमें दो पद हैं। आप सोच रहे होंगे इसमें तो तीन आ गए, नहीं गाइस, 2x² ये तो सेम हो गया ना, तो +7 हो गया ना, ये तो ये, इसमें पद कितने हो गए, फिर दो, क्योंकि ये अलग हो गया, इसको हम फर्दर इसको ऐड नहीं कर सकता इन दोनों को, तो एक बन जाता। लेकिन जब एक से अधिक पद हो जाते हैं ना, तो ये क्या बन जाता है, पॉलीनोमियल। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपसे पूछता हूं कि ये बताओ पॉलीनोमियल है या नहीं, 7+3-4 ये बताओ पॉलीनोमियल है या नहीं। गाइस नहीं है, क्यों, वैसे तो आपको तीन दिख रहे होंगे लेकिन एक्स एक्चुअली में ये कितने हैं, ये है 7+3 10 10-4 6, यानी बेसिकली इसका मान तो क्या है, 6 है ना, तो ये तो एक ही शब्द हो, एक ही हो गया पद, एक ही पद हो गया, तो पॉलीनोमियल यानी बहुपद नहीं हुआ। बहुपद मतलब एक से अधिक, यानी 2 3 4 5। अब इसको कहूं कि x³+3x² + 4x - 6, अब देखो इसमें तो चार चार पद आ गए, चार चार आ गए ना। देखो आप सोच रहे होंगे चार कैसे हो गए, क्योंकि देखो ये एक्स क्यूब का एक अकेला ही है, इसको कहीं इसके जैसा कोई नहीं मिला जिससे आपस में बाद में जुड़ जाए और कम हो जाए। एक्स स्क्वायर का भी एक है, आप सोच रहे हैं इनको जोड़ दो आपस में, नहीं गाइस, ये एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर अलग है ना, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ये चीज अलग होती है, तो ये चारों के चारों डिफरेंट पद है, तो ये चार हो गया है ना, यानी चार स्टेप आ गई, चार पद आ गए, तो ये भी एक तरह से पॉलीनोमियल है। यानी अब आप समझ गए होंगे पॉलीनोमियल क्या होता है, पॉलीनोमियल होता है एक से ज्यादा जब पद बन जाए, किसी पद बन जाए और वो आपस में जुड़ रहे हो या घट रहे हो, जुड़ रहे हो या घट रहे हो। जैसे अब देखो कि एक्स बाई टू है, अब इसमें दो तो आ रहे, लेकिन ऐसे तो दो आ रहे ना, क्या हो रहा है, दो आ रही, तो एक्स आ रहा है, टू आ रहा है ना, लेकिन गाइस इसमें क्या है, भाग हो रहा है। अगर ये भाग की जगह +2 होता ना, तब ये पॉलीनोमियल बन जाता, लेकिन अभी तो भाग में, तब पॉलीनोमियल नहीं होगा। तो अब हम आगे फर्दर बढ़ते हैं, बहुपद का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं कि व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, यानी बहुपद की घात क्या होती है। ये बेसिकली क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एक नंबर में ये सीधे सीधे पूछ लेगा, और क्या पता ऑप्शनल आ जाए, क्योंकि इस बार का पैटर्न भी चेंज है, तो ऑप्शनल में पूछ ले कि भाई सपोज करो ये एग्जांपल दे दिया x³+2x+3, इसकी घात कितनी है इस बहुपद की, तो हम कैसे निकालेंगे। तो मैं बताता हूँ, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो घात क्या होती है, बेसिकली कोई पॉलीनोमियल है, कोई फंक्शन दे रखा है, कोई पॉलीनोमियल दे रखा है, तो उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है ना, मैक्सिमम ऊपर लगी हुई घात होती है, उसको क्या कहते हैं हम, बहुपद की घात कहते हैं, मैक्सिमम पावर। दैट मीन्स मैं एग्जाम्पल बोलूं कि 4x³+7-3x ही है, तो अब देखो इसमें, अब इसको मैं एक बार सबसे पहले ये दे रखा है, इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले x³ वाला लिख लूंगा, है ना, उसके बाद मैंने -3x लिख लिया, +7, यानी इसको मैंने पहले लिख लिया, क्योंकि जिससे x³ x वाली ये एक साथ आ जाए ना। अब इसमें देखो, अब इसमें कंपैरिजन करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा पावर क्या आ रही है, x की पावर क्या आ रही है, सबसे ज्यादा 3 आ रही है ना, इज इट क्लियर गाइस, पावर सबसे ज्यादा देखते हैं तो 3 आ रही है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात, यानी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल दैट इज 3, तो इसकी पॉलीनोमियल की घात क्या हो जाएगी गाइस, 3। समझ में आ गया, यानी कि कोई पॉलीनोमियल दे रखा होगा, कोई फंक्शन दे रखा होगा, उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी, उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो होगी उसकी घात। ऐसे मत करना भाई कि यार इसकी 3 आ रही है और इसकी पावर 1 है तो इनको जोड़ के टोटल 4 कर दो, नहीं ऐसे नहीं होगा, पावर है जुड़ती नहीं है, मैक्स किसी एक पे देखना है और उसमें मैक्सिमम वाली देखनी है। अब आप सोचें किसी एक पे देखना है तो इसको ही देख लूं, इस पे मैक्सिमम एक आ रही है, नहीं गाइस, मैक्स
मैक्सिमम वाले पे पहुंचना है हमें, सबसे ज्यादा किस पे आ रही होगी उस हिसाब से चेक करना है। अगर नहीं समझो तो फिर एक दो एग्जांपल और लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर वन लेता हूँ, आप साथ साथ करते जाना, मैंने पहले दो तीन एग्जांपल लिख देता हूँ उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, पर अगर आपको आ रहा हो स्क्रीन पॉज कीजिए, इनके आंसर खुद ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो ये है -4 + 3x + 4x² और एग्जाम्पल नंबर टू है, क्या है कुछ भी मान लो आप, x³ / 4x - 3x² देन फर्दर दैट 4x + 3 और लास्ट में एक लेता हूं 7 + 8 + 9 ये है। तो गाइस आपने आई थिंक आप सबने कर लिए होंगे, अगर आप समझदार होंगे, नहीं भी समझदार होंगे तो भी कोशिश कर रहे होंगे। अगर कोशिश भी नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ देख रहे होंगे ऐसे और समझ भी नहीं रहे होंगे तो भाई फिर तो आप अलग ही लेवल के पर्सन हो। तो सबसे पहले हम इस पे आते हैं, इसमें आ रहा है -4 + 3x + 4x². तो देखो सबसे ज्यादा पावर इसकी एक्स स्क्वायर की, पावर दो आ गई ना गाइस, जी समझ में आ गया ना एक्स की। देखो इसमें जाऊंगा, इसमें तो एक्स है ही नहीं तो इसको तो छोड़ दिया, इसमें एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें एक्स आ रहा है, एक्स की पावर वन आ रही है, इज इट क्लियर। अब इसको इसकी मैंने लिख ली, इसकी तो वन आ रही है साइड में, इसके पास गया, इसमें एक्स की ऊपर पावर कितनी आ रही, दो आ रही, तो मैक्सिमम कौन सी आ रही, मैक्सिमम यही वाली तो आ रही है ना दो, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल दैट इज 2। समझ गए होंगे आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस पे जाऊंगा, इसमें देखूंगा सबसे पहले इस पे गया, इसमें सबसे पहले गया इस पे, तो इसमें x की पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है गाइस, क्या आ रही है 3, समझ में आ गया। अब उसके बाद इस पे गया, इसमें x की पावर कुछ नहीं है तो 1 हो जाता है, तो इसकी पावर 1 आ रही है x की। इस पे गया, इसमें x की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, क्योंकि x स्क्वायर है ना तो पावर 2 आ रही है, तो मैक्सिमम इसमें कौन सी है, मैक्सिमम 3 है, तो इस बहुपद की पॉलीनोमियल की पावर क्या हो जाएगी, पावर सॉरी डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 3। और अब इसमें जाओ, इसमें 4x + 3 है, तो इसमें जाऊंगा x की पावर क्या आ रही है, इसमें 1 आ रही है, इसमें तो x है नहीं तो सिर्फ इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। और इसमें जाओ, इसमें ये क्या 7 + 8 + 9, ये देख तो तीन पद रहे हैं, लेकिन मैंने बताया था कि बहुपद क्या होता है, इसमें एक से ज्यादा पद हो, अगर जब इसको फर्दर करेंगे तो 7 + 8 = 15 और 9 = 24 आ जाएगा, यानी इसको 24 कर सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, बहुपद ही नहीं है ये, इसकी पावर ही क्या होगी, ये बहुपद ही नहीं है। समझ में आ गया कैसे मैंने पावर निकाली, अब ये समझ गए होंगे। अब इसके बाद मैं पावर के हिसाब से इसका जो है डिवीजन समझाता हूं, विभाजन करता हूं, कि जैसे मैंने जस्ट अभी एग्जांपल लिया, अभी कुछ एग्जांपल लिए थे, जैसे ये लिया था -4 + 3x² + 4x³, सपोज करो एक एग्जांपल लिए। अब इसमें मैं बोलूं कि इसमें मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है ऑब्वियसली, क्योंकि इधर जाएंगे तो इसमें तो एक्स है नहीं तो इसकी पावर नहीं है, इसमें कितना है, इसमें 2x है ना, इसमें पावर कितनी है एक्स की, 3 है, तो इस पूरे बहुपद की पावर क्या, वो डिग्री क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 हो जाएगी इस बहुपद, यानी ये त्रिघात, हिंदी में बोले तो त्रिघात है बहुपद है, क्या त्रिघात बहुपद, यानी 3 घात वाला, पावर 3 वो डिग्री 3 आ गई ना 3 घात, और इसको वैसे लिखे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो है इसको त्रिघात बहुपद भी हम कह सकते हैं। तो हम कहें कि डिग्री, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, बहुपद की टर्म में से कहें इसको कह देंगे हम त्रिघात, त्रिघात, त्रिघात बहुपद है ना। अब एक एग्जांपल हूं, x² + 2x + 1, अब इसमें देखो गाइस बताओ कितनी है इसकी डिग्री, इसकी डिग्री है, मैं कह सकता हूँ कि इसकी डिग्री 2 है, क्या है 2, इसकी डिग्री 2 है, कैसे, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, इसमें 1 आ रही है तो मैक्सिमम 2 मानते हैं, मैक्सिमम वाली लेते हैं हमें ना, जोड़ देनी है इधर 1 आ रही है, इधर 2 आ रही है, इधर 1 आ रही है तो 3 कर देना, मैक्सिमम वाली देखते, तो मैक्सिमम 2 आ रही है, तो इसकी जो पावर है वो डिग्री है वो हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और इसको क्या कहेंगे हम द्विघात बहुपद, पावर 2 आ रही तो द्विघात बहुपद, पावर 3 आ रही थी तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और इसका तो काफी सारा बड़ा आपको फर्दर बहुत यूज है, बहुत उपयोग आएगा, काफी क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। और एक है x + 4 है ना, ये सपोज करो, तो इसमें पावर कितनी हो जाएगी, इसमें पावर आ रही है 1, क्योंकि x की पावर मैक्सिमम 1 है तो 1 आ रही है, तो इसे क्या कहेंगे हम रैखिक बहुपद, यानी सिर्फ एक आ रहा है, रैखिक या लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल, इज इट क्लियर, समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ट्राइडिक पॉलीनोमियल, यानी त्रिघात, यानी पावर 3 आ रही है तो त्रिघात, पावर 2 आ रही है तो द्विघात, पावर 1 आ रही है तो रैखिक, पावर 4 हो तो चतुर्घात, पावर 5 हो तो पंचघात, इज इट क्लियर, है ना, इस तरीके से हम विभाजन करते हैं। अब हम फर्दर थर्ड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल। आप सब, मुझे उम्मीद है कि आप सब नोट करते जा रहे होंगे, और अगर नहीं करते जा रहे हो तो आप इस वीडियो को पीछे कीजिए, रिमाइंड कीजिए और लिखिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट खींच के बाद में करना, और इसका जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि तो इसके भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, है बहुत इजी, ये होता है ना कि भाई कुछ चैप्टर होते हैं हाई मार्क्स एंड हाई टफनेस के, यानी टफ भी होते हैं और मार्क्स भी हाई आते हैं, कुछ होते हैं कि इजी इजी होते हैं पर मार्क्स कुछ भी नहीं होते, कुछ होते हैं इजी और मार्क्स अच्छे खासे होते हैं, तो इसी तरीके इजी और मार्क्स है ना अच्छे खासे आ सकते हैं, तो इसमें फालतू में फ्री फोकट के मार्क्स मिल रहे हो तो हमें छोड़ने नहीं चाहिए। अब थर्ड पॉइंट पर जाते हैं, दैट इज
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का जो मान होता है वो क्या चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉलिनोमियल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, ये पॉलिनोमियल मुझे पता चल गया सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि एक से ज्यादा पद आ रहे हैं, है ना। अब उसके बाद इसकी डिग्री घात कितनी होगी, इसकी पावर मैक्सिमम दो है तो पावर इसकी हो जाएगी दो, और इसको क्या कहेंगे हम द्विघात बहुपद कह लेंगे। पावर दो आ रही है तो द्विघात, पावर एक आ रही है रैखिक, पावर तीन आ रही है तो त्रिघात, पावर चार आ रही है तो चतुर्घात, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब हम करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं कहूं कि ये पॉलिनोमियल, इसका मैंने पी एक्स मान लिया, इसको नाम इसका मैंने पी एक्स नाम दे दिया, क्या दे दिया पी एक्स नाम दे दिया, यानी कोई नाम है। अब वाई दे सकते हैं, डब्ल्यू दे सकते हैं, एक्स मत देना क्योंकि एक्स इधर भी आ रहा है, इधर जो आ रहा है उसके अलावा कुछ भी नाम दे सकते हैं। जेड के लिए मैंने पी एक्स नाम दे दिया। अब मैं इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे किस पे, दो पे, एक्स बराबर दो रखने पे, यानी जो ये एक्स वाई जेड इस तरीके के फंक्शन होते हैं पॉलिनोमियल में, एक तो आएगा थ्री टू वन इस तरीके के आएंगे या नहीं आएंगे वो तो डिपेंड करेगा, यानी एक तो इस तरीके का हो सकता है तीन दो पांच जो कॉन्स्टेंट होते हैं, और एक हो सकते हैं वेरिएबल, उसमें क्या हो सकते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या चीज होती है, जो एक्स वाई जेड ए बी सी जो चेंज होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं। तो बेसिकली गाइस हमें किसी भी घात जो बहुपद का मान होता है वो वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं, यानी एक्स की वैल्यू रखेंगे, वाई की उस तरीके की वैल्यू रखेंगे, जो भी फंक्शन में दे रखा होगा, जैसे इधर एक्स दे रखा है तो एक्स की रखेंगे, इधर वाई दे रखा होता है तो वाई की वैल्यू रखते हैं। तो सपोज करो एक्स बराबर दो रखूं तो इसका क्या लिखता है पी टू, यानी दो पे जो मान होगा तो एक्स बराबर दो, दैट मीन्स हर एक्स की जगह दो रख दो, तो इसकी जगह दो रखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो दो का स्क्वायर प्लस फोर, एक्स की जगह दो रखना है बस एक्स बराबर दो तो टू प्लस थ्री, इज इट क्लियर। तो इसको क्या ले सकता हूं, टू का स्क्वायर दैट मीन्स फोर प्लस, ये फोर इंटू टू है, ये इंटू में गाइस ध्यान रखना है, इंटू में नहीं लिख रहे तो इंटू होता है, साइन नहीं होता तो इंटू होता है, तो फोर टू जा एट प्लस थ्री, जब इसको फर्दर करेंगे तो फोर एट ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन, तो ये क्या हो जाएगी पी बराबर टू पे मान इसका हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक्स बराबर टू पे इस बहुपद का मान कितना है, पंद्रह है। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि फंक्शन दे देगा और बोल देगा कि भाई एक्स बराबर थ्री पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस तरीके से पूछ सकते हैं। अब एक दो एग्जाम्पल और लेता हूं, फिर उसके बाद हम नीचे वाले पर बढ़ते हैं, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स पर, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए जाएंगे। गाइस अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं बहुपद की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर, जैसे एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस थ्री है। अब मैं कहूं कि इसका, इसको मैंने बहुपद पी एक्स मान लिया, पी एक्स मान लिया इसका नाम। अब मैं कहूं कि इसकी जो वैल्यू है एक्स बराबर, यानी हम एक्स की जगह ही वैल्यू रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, या अगर वाई दे रखा होगा तो वाई की जगह, क्योंकि चार और तीन तो कॉन्स्टेंट है, उनकी जगह क्या रख सकते हैं, वो तो चार ही रहता है, तीन तो तीन ही रहता है, पर ये बदल सकते हैं इनकी जगह, हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं कहूं कि इस जो बहुपद का मान है, क्वेश्चन में पूछा है कि इसका मान x बराबर जीरो पे कितना होगा, x बराबर जीरो पे कितना होगा, तो मैं x बराबर जीरो पे निकालूंगा, तो क्या करूंगा x की जगह जीरो रख दूंगा, तो रखूंगा इसमें तो जीरो का क्यूब माइनस फोर इंटू, ये जीरो हो जाएगा प्लस थ्री, तो जीरो का क्यूब तो जीरो होता है, माइनस फोर इंटू जीरो तो जीरो होगा प्लस थ्री, तो ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, बचा कितना सिर्फ तीन बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा, यानी तीन क्या है कि इस जो ये बहुपद दे रखा उसका एक्स बराबर जीरो पे मान है। अब हम पढ़ते हैं भाई जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के शून्यक। तो बेसिकली मैंने बताया जस्ट पहले स्टार्टिंग में समझाया कि शून्यक होते हैं कि उस बहुपद की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, शून्यक यानी शून्य बन जाए, वो किस वैल्यू पे शून्य बनेगा वो कहलाएगा बहुपद का शून्य। फॉर एग्जाम्पल अभी वाले ही ले लेता हूं, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस थ्री है, प्लस थ्री है, या फिर इसको छोड़ो, इसकी जगह मैं एक इजी से स्टार्ट करता हूं, सबसे बेसिक से लीनियर से लेता हूं, फोर एक्स प्लस थ्री है, ये मेरे पास कोई बहुपद दे रखा है, ये पी एक्स दे रखा है। अब मैं बोलूं या क्वेश्चन में बोले कि भाई इस बहुपद का शून्यक निकालो, क्या निकालो शून्यक यानी जीरोस, इसका जीरोस क्या हुआ, तो मैं कह दूंगा कि जीरोस निकालने के लिए यानी इस बहुपद की वैल्यू जीरो हो जाए, एक्स का क्या वैल्यू रखूंगा, एक्स का क्या मान रखूं कि उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, तो मैं ये निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं जो ये बहुपद है उसको मैं जीरो के बराबर कर दूंगा, क्योंकि इसका मतलब यही है ना कि ये जो बहुपद है जीरो के बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए वही हो जाता है उसका शून्य, तो करूंगा तो फोर एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस तीन हो जाएगा, क्योंकि प्लस तीन है इस तरह भेजूंगा तो क्या हो जाएगा जीरो माइनस तीन, दैट इज माइनस तीन ही होता है, इज इट क्लियर। तो फोर एक्स बराबर माइनस तीन, अब गुणा में तो एक्स क्या हो जाएगा माइनस थ्री बाई फोर, क्योंकि गुणा में है ना ये दूसरी तरफ भेजते हैं तो भाग में हो जाता है, तो एक्स बराबर माइनस तीन बट्टा चार, इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि एक्स बराबर माइनस तीन बट्टा चार रखेंगे तब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। हमने क्या निकाला, हमें का मतलब होता है जीरो यानी कि एक्स ही तीन बट्टा एक्स की किस वैल्यू पर इस जो बहुपद की वैल्यू जीरो हो जाए, बहुपद की वैल्यू जीरो हो जाए, तो हमें निकालने के लिए हमने क्या किया, जो बहुपद दे रखा था हमें पता है शून्यक होता है कि उसकी वैल्यू जीरो हो जाए बहुपद की, तो हमने जीरो के बराबर रख दिया और शून्यक हमने निकाल लिया। हम फर्दर कुछ एग्जांपल समझेंगे उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक तो ये होता है सिंपल मेथड, और उसके अलावा एक ग्राफिकल मेथड भी होता है शून्यक निकालने के लिए, कि जैसे एग्जांपल आपको ये दे रखा है एक्स और वाई एक्सिस दे रखे हैं और आपको ये बहुपद दे रखा है,
भगवत है, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो इसमें मैं पूछू की इसमें शून्य होंगे, भगवत का कोई भी शून्य होगा यानी ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो हो रही है, यानी एक्स पे जीरो हो रही है ना, इस पे वैल्यू किस वैल्यू पे जीरो हो रही है, बहुपद की, बहुपद क्या, बहुपद गाइस, बहुपद यानी एक्स का क्या मान है, इस पे वैल्यू जीरो हो रही है। तो एक तो इस पॉइंट पे जीरो हो रही है, अभी लिख नहीं रखा, अगर वो मान होता है जैसे माइनस चार होता है इधर, माइनस तीन होता तो ये माइनस चार पे जीरो हो जाती, ये माइनस तीन पे हो जाती। पर मैं एक रैंडम समझा रहा हूँ कि भाई जहां पे इसकी वैल्यू जीरो हो रही है, यहाँ पे जीरो हो रही है, यानी जीरो का मतलब है कि एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस एक्सिस पे कहां कहां पे कट कर रही है, वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसके क्या हो जाएंगे, पांच शून्य होंगे, यानी पांच वैल्यू पे इसकी वैल्यू, मतलब पांच एक्स के मान के लिए इसकी वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है, पांच बार जीरो हो रही है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, पांच हो जाएंगे। हम एग्जाम्पल समझते हैं, गाइस आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब एक एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाएंगे। तो फोर एग्जाम्पल मैं करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस तीन, तो ये क्या है, ये है बहुपद पी एक्स है ना। और गाइस एक बात ध्यान रखना कि जितनी ये पावर होगी ना, जितनी इसकी घात होगी, घात तो मैंने बताया था डिग्री, यानी कि मैक्सिमम पावर इसमें दो है, तो जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने इसके शून्य निकलेंगे। अगर मैक्सिमम पावर दो है तो दो वैल्यू आएंगी, मैक्सिमम पावर तीन है तो उसके तीन शून्य आएंगे, मैक्सिमम पावर दस है ना, तो अगर सपोज करिए दस होती तो दस शून्य आते, अगर मैक्सिमम पावर एक है तो एक ही शून्य आएगा गाइज। एग्जैक्टली अब इसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर गाइज, गलती से मैं बार बार से डिग्री को पावर बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पावर दिख रही है ना, तो आप समझ लेना मैं पावर बोल रहा हूँ, गलती से निकल रहा है, तो वो घात ही एक तरह से। तो इसकी जो डिग्री है वो मैक्सिमम दो है, तो इसकी कितने आएंगे, शून्य दो आएंगे। तो निकालते हैं भाई कि मैं क्या करता हूँ, मेरे को शून्य निकालने की, जीरो से निकालने के लिए इसकी वैल्यू मैं जीरो के बराबर कर देता हूँ, मैंने पिछले वाले में भी किया था। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो के बराबर मैं उसकी वैल्यू कर दूंगा उस फंक्शन की। तो गाइस ये क्या है, एक हमारी क्वाड्रेटिक, इसमें पावर दो आ गई, तो अब इसमें इसको जीरो के बराबर हम अगर शून्य निकालते तो क्या करते, जीरो के बराबर कर देते हैं गाइस। तो आपको इतना तो समझ में आ गया, इसको जीरो के बराबर करेंगे। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पिछले वाला तो सीधे नॉर्मल था तो कर दिया, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए एक दो तरीके होते हैं गाइस, आपको अगर आपने बेसिक में पढ़ा होगा क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड, इसका फैक्टर कर लूंगा एक, और आपने एक पढ़ा होगा श्रीधराचार्य नियम, उसको जो क्वाड्रेटिक वो जो होता है द्विघात के लिए जो यूज होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वो भी होता है। तो सबसे पहले मैं एक उसके लिए कर लेता हूँ, एक फैक्टराइजेशन मेथड, यानी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस तीन बराबर जीरो है ना, इसकी वैल्यू मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इस जो बीच वाला है ना, इसकी पावर एक है, उसको मैं तोड़ लूंगा, दो में तोड़ूंगा। तो कैसे कैसे तोड़ूंगा, उसका ट्रिक होती है कि जैसे ये बार वाला है, ये बार क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको मैं आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या है, तीन को मल्टीप्लाई करूंगा, इधर इसकी कुछ भी नहीं है तो वन आ रहा हो, तो तीन को वन से करूंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा गाइस, थ्री इंटू वन करेंगे तो तीन आएगा। आगे अगर दो देर का होता तो दो से यानी छह हो जाता, लेकिन अभी कुछ ही नहीं देर का, यानी एक है, वन गुणा एक्स स्क्वायर वन ही होता है, मतलब एक्स स्क्वायर ही होता है, तो मैं वन मान सकता हूं, तो तीन गुणा वन दैट इज तीन। तो मैं इसको कैसे तोड़ू कि उसका भी आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद तीन आ रहा हो, मेरा कहने का मतलब इसको मैंने इसके आगे से गुणा किया तो तीन आ रहा है ना, ऐसे मेरे को इसको दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि उनको भी आपस में गुणा करूं तो तीन आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, चार चार आ रहे हैं ना, ये चार, तो इसको मैं कैसे तोड़ू, चार को एक तो तोड़ सकता हूँ, एक और तीन में तोड़ सकता हूँ, इज इट क्लियर, एक और तीन में भी तो तोड़ सकता हूँ ना, तो एक और तीन टोटल मिला के ये चार हो गए है ना, एक एक्स और तीन एक्स, एक आम और तीन आम चार हो गए ना, टोटल जोड़ने के बाद यही आना चाहिए, गुणा करने के बाद तीन आए है ना, और एक तोड़ सकता हूं मैं दो, और दो में तोड़ सकता हूँ तब भी चार आ रहा है, और एक तोड़ सकता हूँ तीन और एक, तो एक ही मतलब हो गया तीन और एक में है ना, ये दो तरीके से तोड़ सकता हूँ। अब देखो इसको जोड़ने के बाद तो चार आ रहा है, इसको भी जोड़ने के बाद चार आ रहा है, और इनको गुणा करूंगा तो कितना आ रहा है, तीन गुणा एक तीन आ रहा है, इनको गुणा करूंगा तो चार आ रहा है, लेकिन मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए तीन, तो मैं क्या लूंगा, इसको लूंगा, एक और तीन को मैं लूंगा गाइस। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, मैं किस में तोड़ रहा हूँ, एक और तीन में, तो एक्स प्लस थ्री एक्स, यानी एक में तोड़ दिया और तीन में तोड़ दिया, ये दो में तोड़ दिया, और ये बार वाला प्लस तीन चल रहा है, यानी फोर एक्स को मैंने इसमें तोड़ दिया, इज इट क्लियर। अब क्या करूंगा, इसमें से मैं दो दो के पेयर बना लूंगा, इसमें से बनाऊंगा, तो देखो इसमें एक्स आ रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर, यानी एक्स को दो बार गुणा करने, तो दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, तो दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है अंदर, एक्स प्लस वन प्लस आ गया ये, अब ये इसका तो खत्म हो गया क्योंकि ये मैंने ये लिख लिया, अब इसमें से दोनों में तीन कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, एक्स, इधर से तीन ले लिया तो प्लस वन दैट इज जीरो। अब देखो दोनों में एक्स प्लस वन कॉमन आ रहा है ना, इसमें भी दोनों में एक्स प्लस वन कॉमन आ रहा है, तो उसको बाहर ले लिया, बाहर ले लिया, इस तरफ क्या बचा, एक्स बचा, और इस तरफ क्या बचा, प्लस तीन बचा, दैट इज जीरो। अब इसके शून्य क्या हो जाएंगे, एक बार तो इसको जीरो रख लो, एक बार इसको जीरो रख लो, तो एक्स प्लस वन बराबर जीरो रखेंगे तो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, प्लस को इस तरफ भेजूंगा तो माइनस वन हो जाएगा, और एक इसको एक बार इसको जीरो रख लो, तो एक्स प्लस तीन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर
माइनस तीन, तो इसके शून्य क्या जाएंगे, एक बार एक तो हो जाएगा माइनस वन, एक हो जाएगा माइनस तीन, तो इसका आंसर क्या जाएगा माइनस वन एंड माइनस तीन इसके शून्य के, दो पावर दो इसकी डिग्री आ रही थी तो दो ही शून्य निकले। एक तो ये फॉर्मूला है, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड है, एक है सीधाधराचार फॉर्मूला जो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये फॉर्मूला होता है सीधाधराचार फॉर्मूला जो फैक्टराइजेशन करने का। इसको मैं फर्दर आगे बताऊंगा क्योंकि अभी तो इसकी जरूरत नहीं है, जब मैं एग्जांपल करवाऊंगा तो उसके थ्रू समझाऊंगा। सो आई होप ये सारी जो थ्योरी है, ये जो मेन मैटर है, समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ दो से चार एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद इसको फिनिश करता हूं, फिर अगले लेक्चर में बाकी समझाएंगे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर वन में आप देख सकते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, यानी जो यहाँ पे पांच ये ग्राफ दे रखे उनमें मैं जीरोस की संख्या फाइंड करने की, भाई इतने जीरो होंगे, जीरोस मैंने बताया था कि शून्य यानी उस जो फंक्शन की वैल्यू जीरो कहाँ पे होगी। तो मैंने एक तो बताया था फंक्शन के हिसाब से, जैसे फंक्शन देर का होता है हम इसको जीरो के इक्वल कर देंगे, और एक मैंने एक एग्जांपल उसके थ्रू भी समझाया था, एक ग्राफ के थ्रू भी, भाई उसकी वैल्यू जीरोस, उसको कैसे हम पता करेंगे कि वो जीरोस है, यानी उसमें कितने जीरोस हैं या कौन सी जगह पे जीरोस है। अब हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें मैंने पांच क्वेश्चन लिए है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने बताया था कि कोई ग्राफ में हम चेक करते हैं तो क्या करते हैं, जो एक्स एक्सिस होती है ना, ये एक्स एक्सिस है, लिख रखा होगा उसने अपने आप क्वेश्चन में, तो जहां पे उसका वो कट कर दिया एक्स एक्सिस को, जिस जिस पॉइंट पे कट करता है जो ग्राफ हो, वो डायग्राम, जैसे ये डायग्राम है तो ग्राफ है, जिस भी पॉइंट पे कट करता है वो क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अब फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हैं इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और कहीं कट कर रहा है कि एक्स एक्सिस को नहीं, ये इस पे वाई पे जरूर कट कर रहा है, पर वाई पे नहीं देखना गाइस, एक्स एक्सिस मतलब हमें क्या देखना है, एक्स एक्सिस पे, क्या एक्स एक्सिस पे नीचे लेटी हुई है ना, उस पर हमें चेक करना है, तो उस पर सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितने शून्य होंगे इसमें, एक होंगे। अब इसमें देखो, इसमें गाइस एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ है, ग्राफ तो ये मुझे पता चल गया ये वाला, क्योंकि ये एक्स और वाई ये ग्राफ नहीं है, ये तो बस ये इमेजिनरी लाइंस है, मतलब एक लाइंस है एक प्लेन में, दो हमने एक्सिस मान ली, एक एक्स एक वाई, मैन जो हमारा प्लेन है वो ये है, जो हमारा ग्राफ है ये वाला ग्राफ है, ये इस तरीके से है ना, तो ये कितने पॉइंट को टच कर रहा है, कट कर रहा है एक्स पे, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है आप देख सकते हैं, और एक यहाँ पे कट कर रहा है गाइस, यहाँ पे भी कर रहा है, पर ये वाई पे करना है, हमें वाई पे नहीं देखना, हमें एक्स पे देखना है, तो क्या जाएंगे ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जीरोज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे जीरोज, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें जीरोज की टू हो जाएगी, टू जीरोज हो जाएंगे, दो शून्य। इस थर्ड में देखते हैं, थर्ड में आप देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस पे एक तो यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे कट कर रहा है, पर ये एक्स एक्सिस नहीं है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, स्टार्ट गए हम यहाँ पे एक्स एक्सिस में मिल गया, एक तो ये हो गया, फिर गए यहाँ पे एक कट कर गया वापस एक्स एक्सिस को, कट कर गया ना गाइस इस जगह पे, फिर गए बढ़ गए, अब इसके बाद तीन पे कट गया, फिर आगे कहीं मिल नहीं रहा, तो हमें क्या कौन कितने पॉइंट मिल गए, तीन पॉइंट मिल गए जहां पे कट कर रहा है, अगर गाइस ये आगे बढ़ के इधर भी कट कर रहा होता तो एक और बढ़ जाता, पर अभी यहीं पे फिनिश है जितना देर का, तो उसके हिसाब से हमें कितने मिल जाएंगे, तीन जीरोज हो जाएंगे, तीन जीरोज यानी तीन शून्य। गाइस आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, इजी है, कुछ ही नहीं देखना यार, एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पे झांझा कट कर रहा है यार, वो उसके जीरोज हो जाएंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। अब इसमें स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे गए एक इस पॉइंट मिल गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट कर गया, फिर गए एक यहाँ पे मिल गया, इस पर टच कर गया, पर यानी टच भी कर रहा हूं तो भी वो उस पर वैल्यू जीरो तो हो रही है ना इस फंक्शन की, फिर आगे गए यहाँ पे एक टच कर गया, यानी ये तीन होगा इज के लिए, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो वाई है, फिर गए एक यहाँ पे कट कर गया, फिर गए एक यहाँ पे, अब आगे कहीं तो हमें दिख नहीं रहा, ये यहीं पर रुक गया ग्राफ, एक तो ये हो गया, दो एक दो तीन चार और ये पांच, इस पर शून्य कितने हो जाएगा, पांच जीरोस हो जाएंगे गाइस। और एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, इसके मतलब इस पार्ट का लास्ट नहीं है, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है उसका लास्ट पांचवें नंबर का एग्जांपल है, इसमें देखो इसमें कितने जीरो होंगे, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ये कट कर गया, पर ये वाई एक्सिस से करते हैं, इसको काउंट नहीं करेंगे, ये भी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस आगे, क्योंकि ये पूरी ये जो पूरी दिख रही है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो ये एक्स एक्सिस को कट कर गया इस पॉइंट पर, उसके बाद कहां कट कर रहा है, उसके बाद कहीं कट ही नहीं कर रहा एक्स एक्सिस को, सिर्फ इस पूरी एक्स एक्सिस ये है, इस पूरी जो एक्सिस को कौन सी जगह पर कट कर रहा है, सिर्फ इसी जगह पर कट कर रहा है, तो उसके शून्य कितने हो जाएंगे, एक वन जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक शून्य हो जाएगा गाइस। अगर सपोज करो ये कट ही नहीं कर रहा होता, ये यहीं पर रुक जाता, सपोज करो ऐसे नहीं होता, ये होता कि ये सपोज करो ऐसे जाके ऐसे हो जाता बस इतना, इसको टच भी नहीं कर रहा होता, तो इसका जीरो शून्य हो जाते, एक भी शून्य नहीं होता। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है, हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी जो बहुपद होता है उसकी घात फाइंड करनी है। इसमें पांच एग्जांपल दे रखे हैं, पांचों में बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जांपल में कितनी उसकी डिग्री होगी। तो फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट दे रखा है 3z^4 + 5z^3 - 7। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो
वेरिएबल है वो जेड आ गया, पहले एक्स आ रहा था इधर जेड आ गया, तो जेड की मैक्सिमम पावर कितनी है वो चार दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे चार आ रही है यहाँ पे तीन आ रही है, तो मैक्सिमम चार होगी, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी जो डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी चार गाइस। और इसको क्या कहेंगे हम, चतुर्घात बहुपद। अब इसमें देखो इसमें क्या होगा, इसमें चेक करो कहाँ पे है वेरिएबल, तो ये तो वेरिएबल है नहीं, वेरिएबल यहाँ पे ए आ गया, मैंने बताया था ना एबीसीडी से जेड तक ये जो अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश के वो वेरिएबल होते हैं, तो यहाँ पे ए आ गया, ए की पावर कितनी है मैक्सिमम एक है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो वन हो जाएगी, और इसको लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद कहेंगे। अब इसमें देखो थर्ड एग्जांपल है 185, ये तो कांस्टेंट दे रखा है, इसमें एबीसीडी से जेड तक में कुछ भी नहीं आ रहा, ए टू जेड होती है ना एबीसीडी एफ जी ये जेड तक होता है, उसमें एक भी चीज नहीं आ रही, तो ये क्या जाए कॉन्स्टेंट हो जाए, तो इसकी पावर जीरो आ जाएगी, कॉन्स्टेंट कह सकते हैं हम, ये कॉन्स्टेंट है, क्या है कॉन्स्टेंट। अब फोर्थ एग्जाम्पल में देखो इसमें वेरिएबल एफ आ गया, क्या आ गया एफ आ गया, इधर जेड आ रहा था इधर ए आ रहा था इधर एफ आ गया है ना, तो इस एफ में सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर तीन है, तो ये क्या हो जाएगा तीन आ जाएगी, इसकी डिग्री क्या आ जाएगी तीन आ जाएगी, इसको त्रिघात बहुपद। इसमें देखो इसमें क्या आ गया वेरिएबल, इसमें एक्स स्क्वायर वाला आ गया गाइस। अब ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉलीनोमियल होगा वो एक्स ही होगा, जैसे इस तरीके का होगा कोई जरूरी नहीं, एक्स की जगह जेड भी दे दे, वाई में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, लेकिन ए टू जेड होती है ना अल्फाबेट इंग्लिश की, उन्हीं में से कोई एक चीज होगी। तो अब इसमें चेक करो, इसमें मैक्सिमम पावर दो आ रही है इसकी, इसकी मैक्सिमम पावर एक आ रही है, तो मैक्सिमम दो हो गई, मैक्सिमम क्या हो गई दो, क्योंकि एक्स की पावर इधर दो आ रही है इधर एक आ रही है, तो मैक्सिमम दो हो गई, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी टू हो जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे द्विघात बहुपद। तो आप डिग्री निकालना तो बड़ी आसानी से सीख गए होंगे, मतलब जो भी दे रखा उसमें पावर जिसकी सबसे ज्यादा होती है ना पावर, ये तो होता है गुणांक, क्या होता है गुणांक, ये कॉफिशियंट होता है, ये होती है डिग्री होती है, तो ऊपर जो पावर होती है उसको कहते हैं डिग्री, मैक्सिमम पावर क्या कहलाती है डिग्री कहलाती है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट वाई इक्वल्स टू टू, यानी जो नीचे फॉलोइंग पॉलिनोमियल दे रखा है, नीचे बहुपद दे रखा है, उसकी जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है किस पे, वाई बराबर दो पे। तो हमने बताया था कि अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं किसी पॉइंट पे वाई बराबर दो पे, तो उस पॉलिनोमियल में हम वाई की जगह दो रख देंगे, क्या इधर दो दे रखा है तो दो रख देंगे, इधर वाई बराबर तीन पे दे रखा होता तो तीन रख देते हैं ना, इधर क्लियर है आपको पता होगा। तो पॉलिनोमियल क्या है, पी वाई है, पी वाई क्या है मेरे पास पॉलिनोमियल दे रखा है वाई क्यूब प्लस फोर वाई माइनस थ्री दे रखा है, मुझे वैल्यू किस पे चाहिए दो पे है, तो वाई की जगह क्या लिख दूंगा मैं दो, तो टू का क्यूब, क्योंकि वाई क्यूब है तो वाई की जगह दो रखा क्यूब ऊपर एज इट इज प्लस फोर वाई की जगह टू रख दूंगा माइनस थ्री, सो टू का क्यूब यानी टू टू जा फोर टू जा एट हो जाएगा, प्लस फोर टू जा एट माइनस थ्री, तो इसका क्या आएगा एट एट सिक्सटीन माइनस थ्री दैट इज थर्टीन, इसका आंसर आ जाएगा, तो थर्ड का आंसर होगा थर्टीन। बड़ा इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं, आराम से कर सकते हैं। मैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, मैं फाइंड करना है फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी जो नीचे पॉलिनोमियल दे रखा है ये बहुपद दे रखा है, बेसिकली ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या बहुपद द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो पावर है वो दो है, तो इसकी जो डिग्री हो गई वो दो हो गई, तो इसका हमें जीरोस फाइंड करना है। तो मैंने बताया था कि जो पॉलिनोमियल इसका जीरो फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, जीरोस क्या होता है शून्यक वो होता है कि जिसपे इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए, वही शून्य होता है वही जीरो होता है, तो हम क्या करेंगे हम इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या कर लेंगे जीरो कर देंगे, सिक्स एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो के बराबर कर देंगे गाइस। ये जनरली होता है, यही होता है क्वेश्चन में जीरोस निकालने वाले में कि फंक्शन की वैल्यू जीरो के बराबर कर देते हैं। तो एक तो बताया था मैंने फैक्टराइजेशन मेथड यानी जो गुणनखंड विधि, तो बेसिकली गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, तो मैंने बताया था कि गुणनखंड विधि में ये बार वाला होता है ना पांच, उसको आगे वाले से गुणा कर देते हैं, आगे क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर यानी सिर्फ वन आ रहा है ना, तो पांच को वन से करेंगे तो वन गुणा पांच ये कितना हो गया, ये पांच हो गया है ना, इसे क्लियर पांच। तो हम फिर मैंने बताया था कि जो पांच आ रहा है ना तो मुझे इस अंदर वाले को इस तरीके से तोड़ना है कि उसको अगर इस तरीके से तोड़ना है कि उनको भी अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो पांच आ जाए, यानी जो ये छह ना अंदर क्या आ रहा है सिक्स एक्स में आगे क्या आ रहा है जो कोफिशियंट छह आ रहा है, तो छह को मुझे इस तरीके से दो भागों में तोड़ना है कि उसको आपस में गुणा करें तो क्या क्या हो जाए हमको मल्टीप्लाई करने के बाद पांच आए। तो छह को किस तरीके से तोड़ सकता हूं, एक तो मैं तोड़ सकता हूं एक और पांच में, क्योंकि एक और पांच टोटल छह होते हैं और इनको गुणा करते हैं तब पांच आता है ना, और एक तोड़ सकता हूं मैं दो और चार में, क्योंकि दो प्लस चार छह ही होते हैं और गुणा करेंगे तो आठ हो जाएंगे, ऐसे तीन और तीन में तोड़ूंगा तो नौ हो जाएंगे और चार और दो में तोड़ूंगा तो आठ आ जाएंगे ना, इस तरीके से मैं कर सकता हूं। तो लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए, मुझे पांच चाहिए गाइस। आप सोच रहे हैं दो गुणा चार क्योंकि दो गुणा तीन, दो तीन में भी तोड़ सकते हैं तो है ना, पर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि दो तीन में तोड़ेंगे तो छह आएगा, पर इनका जो एड है इन दोनों को जोड़ेंगे तो पांच आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पांच आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए जोड़ने के बाद तो वही संख्या आनी चाहिए, इसको तोड़ रहे हैं ना जोड़ने के बाद तो वही संख्या आनी चाहिए, गुणा करने के बाद ये वाला आना चाहिए, ये चीज है ना, इज इट क्लियर, आपको पता होना चाहिए। तो मेरे को पता चल गया कि पांच चाहिए,
जोड़ने के बाद तो इनको देखो पांच और एक छह हो रहा है, तो ये तो सही है। गुणा करने के बाद कितना है, पांच आ रहा है, और मुझे चाहिए क्या, पांच, क्योंकि इनको भी गुणा करने के बाद पांच आ रहा था। तो मैं किस में तोड़ दूंगा, एक तो एक में तोड़ दूंगा, एक पांच में तोड़ दूंगा। यहां तक आपको समझ में आ गया, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। ये एक्स स्क्वायर है, सिक्स एक्स को मैंने बताया था एक और पांच में तोड़ेगा, तो एक तो एक हो गया, एक पांच हो गया, फाइव एक्स, एक को लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं सिर्फ एक्स लिख दिया, फाइव एक्स प्लस ये पांच चल रहा है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब देखो मैंने क्या किया था, मैंने दो दो के पेयर बनाए थे, एक तो इसको पेयर बनाया था एक क्वेश्चन में, एक इसको बना लिया, तो इसमें से देखो कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स प्लस वन हो जाएगा। एक्स कॉमन इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स गुणा एक्स, इसका मतलब ये है, तो एक एक्स बाहर ले लूंगा तो अंदर एक्स बचा, प्लस इसमें से भी एक्स बाहर ले लिया तो वन बचा सिर्फ, है ना। इज इट क्लियर, प्लस इसका काम खत्म हो गया। अब इसमें देखो इसमें पांच आ रहे दोनों में, तो पांच बार आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वन बचेगा, क्योंकि इसमें एक्स बचेगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा, तो वन दैट इज जीरो। अब देखो ये दोनों में भी एक्स प्लस वन कॉमन आ रहा है, तो एक्स प्लस वन बार आ जाएगा, एक्स प्लस वन बार आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, ये एक्स प्लस पांच, एक्स प्लस पांच। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब क्या करूंगा, मैंने बताया था कि दोनों को जीरो के बराबर कर दो, तो एक तो एक्स प्लस वन बराबर जीरो हो जाएगा, तो एक्स क्या आ जाएगा, इससे प्लस वन है तो इस तरफ जाएगा, तो माइनस वन हो जाएगा। ऐसे एक बार एक्स प्लस पांच बराबर जीरो कर दो, तो एक्स क्या हो जाएगा, माइनस पांच आ जाएगा, क्या जाएगा, माइनस पांच। तो इसके शून्य क्या हो गए, एक तो माइनस वन हो गया और एक माइनस पांच हो गया, इसके शून्य हो गए, तो ये इसका आंसर हो गया। एक दूसरा मेथड है सीधेधराचार्य फॉर्मूला, क्या सीधेधराचार्य फॉर्मूला, उसमें क्या करते हैं कि ये दे रखा है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव होता है, तो मैं इसमें से कंपैरिजन करूंगा किससे, स्टार्टिंग है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ये जनरल फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्मूला होता है। तो यानी ए एक्स स्क्वायर, ए क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे वाला जो भी गुणांक है, और बी क्या, बी एक्स के आगे जो भी है, और सी क्या है जो कॉन्स्टेंट होता है। तो देखें कि एक्स स्क्वायर, इन दोनों कंपेरिजन करो, इन दोनों कंपेरिजन करो, तो इससे ए क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स, इन दोनों कंपेरिजन करो, ए किसके बराबर है, इसके आगे, ए किसके बराबर आ रहा है, एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर, तो इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, वन है सिर्फ, क्योंकि कुछ नहीं है तो वन है, तो ए बराबर वन हो गया। अब ऐसे बी बताओ, बी क्या हो सकता है, बी एक्स के साथ आ रहा है, तो इसमें एक्स के साथ क्या आ रहा है, छह आ रहा है एक्स के साथ, तो बी क्या आ जाएगा, बी छह के बराबर हो जाएगा। ऐसे जो लास्ट में बच रहा है सी, वो किसके बराबर हो जाएगा, पांच के बराबर हो जाएगा। इसलिए समझ में आ गया होगा। अब सॉल्व करने का तरीका होता है, जो एक्स आता है उसकी वैल्यू जो हम शून्य के निकालते हैं, वो होता है माइनस बी, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये फॉर्मूला होता है, ये जो होता है शून्य का जीरोस निकालने का, तो या फिर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें निकालेंगे कि माइनस बी, माइनस बी माइनस सिक्स, बी की जगह सिक्स कर दो, तो माइनस सिक्स प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए क्या है, ए है वन और सी कितना है, फाइव है। इज इट क्लियर। जब इसको मैं फर्दर करूंगा, नीचे क्या है, टू इंटू ए वन दैट इज वन, तो माइनस सिक्स प्लस माइनस रूट ऑफ थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी, माइनस ट्वेंटी अपॉन टू। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब इसको क्या करूंगा, माइनस सिक्स प्लस माइनस, ये छत्तीस में से बीस घटाएंगे तो क्या आएगा, सोलह आएगा अपॉन टू। अब रूट सोलह किसका होता है, चार का होता है, आपको पता होगा वर्गमूल चार का होता है, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस सिक्स प्लस माइनस चार बाई टू, ये हमारा क्या आ गया आंसर। कैसे आंसर, आप सोच रहे हो, इधर तो माइनस वन आ रहा था, माइनस पांच आ रहा था, इधर तो माइनस सिक्स प्लस माइनस फोर बाई टू आ रहा है। तो मैं बताता हूँ गाइस, इसको एक बार यहां से मिटाता हूं, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आ गई एक तो माइनस सिक्स प्लस माइनस चार बट्टा दो, तो प्लस आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो एक बार प्लस ले लूंगा एक बार माइनस ले लूंगा, तो एक बार एक्स क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स एक बार प्लस ले लिया तो प्लस फोर बाई टू, और एक बार क्या आ जाएगा, एक्स बराबर एक बार प्लस ले लिया तो क्या बचा, फिर माइनस बचा, तो माइनस सिक्स माइनस फोर बाई टू, तो माइनस सिक्स प्लस फोर क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा, अपॉन नीचे टू चल रहा है, इसमें माइनस सिक्स माइनस फोर क्या आ जाएगा, माइनस टेन आ जाएगा, क्योंकि दोनों के जो साइन है वो सेम है, जुड़ जाते हैं, और फिर जो साइन होता है ना, जो उन पे लगा होता है, वही बाहर साइन आ जाता है, दैट इज टू, तो माइनस टू बाई टू को जाएगा माइनस वन आ जाएगा, इसमें क्या जाएगा टू बाई टेन हो जाता है फाइव, और आगे माइनस हो तो माइनस पांच, वही आ रहा है माइनस वन और माइनस पांच आंसर आ रहे हैं। जनरली एक सीधेधराचार्य फॉर्मूला होता है, सबसे ईजी, अगर आपको फैक्टर नहीं समझ में आ रहे हो तो आप ये फॉर्मूला लगा दो। इसमें क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, ए तो क्या होगा, ए होगा सबसे आगे वाला, एक्स स्क्वायर का जो साथ लगा है ना वो हो जाएगा, बी क्या होगा, बी होगा जो एक्स के साथ जो आ रहा है, सी हो जाएगा जो बाकी बच रहा है वो, बाद में ये फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये फॉर्मूला होता है सीधेधराचार्य का, और वैल्यू रख दो अपने आप आंसर आ जाएगा। सो गाइस, हमारा जो ये लेक्चर है यहीं पे फिनिश होता है, ये हमारी एक्सरसाइज 8 पॉइंट जो 2.1 है, और उसके आगे भी थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया है, अब हम आगे फर्दर एक्सरसाइज 2.2 लेंगे, और उसमें कुछ काफी सारे ये जीरोस निकालने के और अच्छे क्वेश्चंस है उसमें, कि जीरोस कैसे फाइंड करें, रिलेशन क्या होता है, जो जीरोस होते हैं, जैसे मुझे पता है क्वाड्रेटिक में दो दो जीरोस आ रहे हैं, जो पावर है वो दो आ रही है, घात इसकी दो है,
तो दो जीरोज होंगे तो उनमें रिलेशन क्या होता है वो भी हम समझाएंगे। और कभी कभार अभी तो जीरोज निकालने वाला है, अभी कभी आगे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जीरोज दे रखे होंगे और हमें ये बनाना पड़ेगा, यानी अभी तो इससे हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। अब हमारा क्वेश्चन आगे ऐसे दे रखा होगा कि ये चीज दे रखी होगी और हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो भी बताएंगे कि कैसे करते हैं। सो हमारी सीरीज के साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।